माय डियर स्टूडेंट, अब तक के वीडियो में हम आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट के जो बेसिक पॉइंट थे वो हम कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है हम डिटेल इन सर्किट को पढ़ेंगे। ये जो है फिफ्थ पॉइंट है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, लेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन वन। इज अप्लाइड अक्रॉस ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड आई इज इंस्टेंटेनियस करेंट एट टाइम टी। ये सब कुछ फिगर में दिखेगा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो है रेजिस्टेंस आर है, इसे हम एसी वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। V = V0 साइन ओमेगा टी, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या है, वी आर है। फ्रॉम किरचॉफ सेकेंड लॉ σ∆V = 0 मीन्स V - VR = 0, V = VR। वोल्टेज क्या है, V0 sin ωt, और VR को क्या लिख सकते हो, IR। अब हम आगे बढ़ेंगे, I को हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द I, V0 by R sin ωt। बट हमें पता है V0 पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज नोन एज I0। I0 क्या है, दिस इज द पीक करेंट, मैक्सिमम करेंट, पीक करेंट। देन करेंट का क्या इक्वेशन बना, I0 sin ωt। ये जो है इक्वेशन टू है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम वोल्टेज इक्वेशन से किरचॉफ लॉ यूज करके हम क्या डिराइव कर लेते हैं, करंट का इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, सेम फेज में है। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर आर सर्किट ओनली, सिर्फ आर सर्किट के लिए। आर सर्किट का दूसरा नाम क्या होता है, ओहमिक सर्किट। दूसरा नाम जो है ओहमिक सर्किट। वोल्टेज एंड करेंट आर इन सेम फेज में है। ग्राफिकली ग्राफ से अगर हम देखेंगे, सेम फेज का मतलब दोनों एक साथ मैक्स होंगे, एक साथ मिनिमम होंगे और एक साथ जीरो होंगे। ये वोल्टेज क्या है, वी, और करंट आई है। सेम फेज का मतलब एक साथ मैक्स, एक साथ मिनिमम, एक साथ जीरो।
ये वी का कर्व है और यह आई का कर्व है। अब इसके बाद पूछता है कि इसका फेजर डायग्राम क्या होगा। अब हम आते हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, इसके फेजर डायग्राम को कैसे दिखाएंगे। फेजर डायग्राम में हम देखें, ये है टाइम, ये है, ये जो है एक्सिस है जिसका नाम क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है। वोल्टेज और करंट क्या है, दे आर द रोटेटिंग वेक्टर, दिस इज द वोल्टेज वी नॉट है, दिस इज द करंट आई नॉट है। ये कैसे वेक्टर हैं, दे आर रोटेटिंग वेक्टर, एंगल ओमेगा टी, एंगल क्या होगा, ओमेगा टी। अब यही वाई एक्सिस पे हम प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, यह एंगल क्या है, ओमेगा टी है, ये एंगल भी ओमेगा टी है। यहाँ जो करंट मिलेगी, करंट किसके इक्वल मिलेगी, ये जो करंट मिलेगी आई इक्वल टू आई नॉट, क्योंकि परपेंडिक्युलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। यहाँ भी नॉट हाइपोटेन्यूज है तो ये परपेंडिक्युलर क्या होगा, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका फेजर डायग्राम है। एज हम कह सकते हैं, एज फेज डिफरेंस क्या हो गया, फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू जीरो डिग्री, फाई इक्वल टू जीरो डिग्री। देयरफॉर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई, कॉस जीरो इक्वल टू वन। व्हाट इज द एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होगा, जो पी एवरेज है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, कॉस फाई वन, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। लिख सकते हो वी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू, हाफ हाफ वी नॉट आई नॉट। इस प्रकार जो है आर सर्किट कंप्लीट होता है। इसके बेसिक न्यूमेरिकल हम शुरू में ही पढ़ लिए थे, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट है और यह बोर्ड के लिए तीन ही सर्किट इम्पॉर्टेंट होता है, आइदर इंडक्टर सर्किट, आइदर कैपेसिटर सर्किट, आइदर एलसीआर सीरीज सर्किट, जो बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसी वोल्टेज अप्लाइड, एसी वोल्टेज अप्लाइड, इनके न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, टू एन इंडक्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। लेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन वन। ये वोल्टेज कहाँ अप्लाइड हो रहा है, इज अप्लाइड, एसी वोल्टेज को हम अप्लाई कर रहे हैं एक्रॉस एन, एक्रॉस एन इंडक्टर, एक्रॉस एन इंडक्टर, ऑफ इंडक्टेंस, ऑफ इंडक्टेंशियल, एंड आई इज, एंड आई इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करेंट है ए टाइम टी। सब कुछ फिगर में दिखेगा। माय डियर स्टूडेंट, यह इंडक्टर है, बन गया इंडक्टर। इसको हम एसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो दिस इज द एसी सर्किट, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका इंडक्टेंस एल है, करंट आई फ्लो हो रही है, सर्किट जो है कंप्लीट हो गई। वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर क्या है, वी एल है, ये बन गया कंप्लीट सर्किट। हम देखते हैं कि करंट क्या होती है,
करेंट, आई जो है वेरीज वेरीज कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली इन द क्वायर इन द क्वायर सो एन इंड्यूस ईएमएफ विथ मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी प्रोड्यूस इन द क्वायर प्रोड्यूस्ड इन द क्वायर क्वायर में प्रोड्यूस हो जाता है। हमने देखा कि करेंट आई बैरिज करती है कंटिन्यूसली, करेंट के बैरिज होने से एक क्वायल में ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वैल्यू क्या होती है एल डी आई बाई डी टी। अब जो है किरचॉफ सेकेंड लॉ, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल, फ्रॉम किरचॉफ्स किरचॉफ्स सेकेंड लॉ सिग्मा डेल्टा भी इजकल टू जीरो, भी माइनस भी एल इजकल टू जीरो। भी एल की वैल्यू क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एल डी आई बाई डी टी इजकल टू जीरो, मीन्स भी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी। लिख सकते हैं भी की वैल्यू भी नाट साइन ओमेगा टी एल डी आई अपान डी टी। हम लिख सकते हैं डी आई, डी आई क्या होगा भी नाट अपान एल साइन ओमेगा टी डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करो इंटीग्रेशन डी आई इंटीग्रेशन भी नाट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। लिख सकते हो आई भी नाट हो गया अपान एल साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कास ओमेगा टी, टी के कोफिशियंट से डिवाइड करो अपान ओमेगा। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे इजकल टू आई इजकल टू भी नाट अपान एल ओमेगा एल ओमेगा एल माइनस कास ओमेगा टी। हमें पता है एज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू दिस इज माइनस कास ओमेगा टी, तो देयरफॉर क्या करेंट की वैल्यू मिल रही है भी नाट अपान ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ भी नाट अपान ओमेगा एल यानी ओमेगा एल क्या है, क्योंकि भी नाट बाई ओमेगा एल करेंट का टर्म है, ऊपर अगर वोल्टेज है न्यूमिरेटर में तो ओमेगा एल क्या है रेजिस्टेंस है, तो द क्वांटिटी ओमेगा एल द क्वांटिटी जो क्वांटिटी ओमेगा एल है इज एनालोजस किससे मिलता जुलता है, इज एनालोजस टू रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस से मिलता जुलता है। हमने ये पढ़ा था, हमने सिखा भी दिया है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड ऑफर्ड बाय इंडक्टर ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन एसी सर्किट इन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से डिनोट करते हो। माय डियर स्टूडेंट एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल टू पाई एफ एल। हम इसकी डिफिनीशन पढ़ चुके हैं फिर भी मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, यूनिट ओम है। यहाँ से देखेंगे
एक्सियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, कैसा ग्राफ बनेगा फ्रीक्वेंसी में और एक्सियल में, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, देन वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इजकल टू वी नॉट अपॉन एक्सियल इजकल टू आई नॉट। व्हाट इज आई नॉट? दिस इज द पीक करंट, यही पीक करंट है। देयरफोर करंट का क्या इक्वेशन बना? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड है। वन और टू से क्या प्रूफ होता है कि एल सर्किट के लिए करंट आई क्या करती है? लैग करती है, मतलब कि वोल्टेज क्या करती है? लीड करती है। फ्रॉम इक्वेशन वन वन एंड टू ये प्रूफ हो गया। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन एक और दो से क्या होता है? फॉर एल सर्किट ओनली करेंट आई, जो करेंट आई है वो क्या करती है? लैग्स बिहाइंड वोल्टेज भी बाई फेज पाई बाई टू। ये प्रूफ करने के लिए पूछता है कि यल सर्किट के लिए प्रूफ करो कि करेंट क्या करती है? लैग करती है वोल्टेज से कितना? पाई बाई टू। या इसका मीनिंग ये है कि जो वोल्टेज है, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज भी क्या करता है? लीड्स द करेंट आई बाई फेज पाई बाई टू। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ग्राफिकली। ग्राफ कैसा बनेगा ये देखें। ये जो है टाइम एक्सिस है, दिस इज द वोल्टेज ऑब्लिक करेंट, ये ओरिजिन है। अगर हम टाइम को जीरो करें तो वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से वोल्टेज क्या मिलेगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये कर्व क्या है? वोल्टेज का कर्व है। करंट बाद में चलेगी, सब कुछ बाद में दिखाएगी, बाद में मैक्सिमम, बाद में जीरो, सब कुछ बाद में दिखेगा। तो यह वोल्टेज है और यह क्या है? करंट है। ये जो दिखाएगा वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आई नॉट है। इस सर्किट में हम क्या देखते हैं कि वोल्टेज लीड करता है, मतलब करंट लैग करती है। लैग मतलब ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होती है। अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। पूछता है मेक द फेजर डायग्राम, ये सर्किट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो बनेगा फेजर डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? दो, ये तो टाइम है, ये जो है वर्टिकल एक्सिस है, ये तो ओरिजिन है। वोल्टेज अगर हम देखें, ये क्या है? वी नॉट है। ये कैसे वेक्टर है? ओमेगा से रोटेट करता है। यह एंगल ओमेगा टी है। अल्टीमेट यह एंगल भी ओमेगा टी होगा। और ये वोल्टेज क्या मिलेगा? यही वोल्टेज जो है वी इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। करंट कितना लैग करती है? करंट लैग कर गई, ये जो है आई नॉट है। यह सपोज करो कि एंगल क्या है? दोनों परपेंडिक्यूलर हैं। ऑटोमेटिक यह एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ जो सेम वही कंडीशन है, परपेंडिक्यूलर क्या मिलेगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। फेजर डायग्राम भी सर्किट का कंप्लीट होता है।
माय डियर फ्रेंड कभी कभी पावर भी पूछता है, डिराइव करके बताएं। उसी के साथ एल सर्किट समाप्त होगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट सी सर्किट इन दिस वीडियो आल्सो। अब इंस्टेंटेनियस पावर जीरो होगा, प्रूफ करके बताएंगे। यहाँ से भी यह इम्पॉर्टेंट है, द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आई इंटू वी। आई की वैल्यू पुट करो, आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इंटू वी नाट साइन ओमेगा टी। लिख सकते हो माइनस वी नाट आई नाट साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी माइनस वन बाई टू वी नाट आई नाट। टू से मल्टीप्लाई कर दिए हो, इसका मतलब क्या हो गया, टू साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी। हमें पता है कि टू साइन थीटा कास थीटा दिस इज द साइन टू थीटा होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें पता है बट टू साइन थीटा कास थीटा इजकल टू साइन टू थीटा। इससे हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वी नाट आई नाट बाई टू इंटू साइन ट्वाइस ओमेगा टी। एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज एवरेज हुआ माइनस वी नाट आई नाट बाई टू साइन ट्वाइस ओमेगा टी। हम लिख सकते हैं माइनस वी नाट आई नाट बाई टू इंटू साइन ट्वाइस ओमेगा टी। बट साइन ट्वाइस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जीरो होती है, तो पीएल क्या मिलेगा, पीएल जो एवरेज है वो जीरो प्रूफ हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस द एवरेज पावर सप्लाइड, ये प्रूफ करने के लिए पूछता है, द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल सिर्फ एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होता है, इज जीरो एंड करेंट फ्लो इन इट जो उसमें करंट फ्लो करती है इज कॉल्ड, कौन सी करंट होगी, वाटलेस करंट यह बेटर होगा। दूसरा तरीका हम चाहते तो भाई क्या है, 90 डिग्री लेकर के भी हम एवरेज पावर थ्रू इंडक्टर जीरो कर सकते हैं। अब जो है इन पर बेस क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे। यह याद रखना, अगर शॉर्ट में करना होता तो यल सर्किट के लिए क्या होता है, फार यल सर्किट। अगर यल सर्किट है, फाई क्या है, 90 है, कास फाई 0 है, पी एवरेज 0 होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन यहाँ इकट्ठे किए जाएंगे। इसी प्रकार जो है हम सी सर्किट पढ़ेंगे और उस पर बेस क्वेश्चन भी कर लेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.3 पेज 266 एनसीईआरटी
7.5 इसका पार्ट फर्स्ट है, क्वेश्चन में दो पार्ट है। ये जो है पेज 266 ये ओल्ड बुक से है, ये जरूर ध्यान देना। ये 44 mAh इंडक्टर, ये 44 mH इंडक्टर इज कनेक्टेड, इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट इन द सर्किट। अगला जो पार्ट पूछा है, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इन ए कंप्लीट साइकिल। ए क्वेश्चन, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हम देखें क्वेश्चन में क्या दिया है। हर बार मैं फिजिक्स में यही बात करता हूँ, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। क्वेश्चन में देखो कि क्या दे रखा है। तो गिवन एल जो है 44 mH है, 44 × 10⁻³ हुआ। जो आरएमएस वोल्टेज है वी आरएमएस 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। अब जो है क्वेश्चन हमने यहाँ तक सॉल्व किया, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आई आरएमएस क्या लिखते हो, वी आरएमएस अपान एक्सएल, वी आरएमएस ओमेगा एल, वी आरएमएस 2πfL। डाटा पुट करें तो 220 × 20 2/7 कर लो पाई, फ्रीक्वेंसी 50 है, 44 × 10⁻³ 700/44 55.9 एम्पियर आंसर है। एज पी एवरेज का क्या फार्मूला है, जो एवरेज पावर होता है क्या फार्मूला है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई इन प्योर इंडक्टर सर्किट। अगर प्योर इंडक्टर सर्किट है तो फेज डिफरेंस π/2 रेडियन होगा। नेट पावर जो कंज्यूम्ड हो रहा है कितना बनेगा, पी एवरेज जो नेट पावर कंज्यूम्ड हो रहा है, पी एवरेज किसके इक्वल हो गया, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव मीन्स वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई बाई टू, एवरेज पावर क्या हो गई, जीरो हो गए। कैसी करंट फ्लो करेगी, हम कह सकते हैं इसमें वाटलेस करंट फ्लो, कैसी करंट फ्लो करेगी, वाटलेस करंट फ्लो। ये कंप्लीट हो गया, मींस क
करंट फ्लो होने पर भी कोई पावर का लॉस नहीं होता है। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट ये सर्किट कंप्लीट हुआ। इसकी टेक्निक हम इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा दिए थे। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे सेवन पॉइंट। तो जो ये इंडक्टर सर्किट था आज मैं इस समय आर सर्किट पढ़ा, एल सर्किट पढ़ा और सी सर्किट पढ़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, तीनों को कंबाइंड करेंगे तो एल सी आर, एल सी आर सर्किट टू टाइप्स के होंगे। ये होता है सीरीज में या पैरेलल में, इसमें सिलेबस में सिर्फ सीरीज पढ़ना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ पॉइंट है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। तीनों सर्किट इंडिविजुअल पढ़ने के बाद तीनों के सीरीज एलसीआर सर्किट आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा और जनरेटर है, ये अपने सिलेबस में है जिनको हमें पढ़ना है। लेटेंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इस सर्किट भी इम्पॉर्टेंट है, लेट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज V=V0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन वन है। इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। क्यू इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड आई इज द इंस्टेंटेनियस करेंट ए टाइम टी। माई डियर स्टूडेंट, ये कैपेसिटर है, इसको हम क्या करते हैं एसी सप्लाई से कनेक्शन दे देते हैं, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, जंक्शन से बाहर करंट आ जाती है। ये वोल्टेज भी क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी सी होता है, नोट कर। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे पी डी अक्रॉस एक कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस क्या है सी है, तो पी डी अक्रॉस कैपेसिटर इज क्या है क्यू बाई सी है। पी डी अक्रॉस कैपेसिटर इज क्यू अपान सी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल σ∆V=0, V-VC=0, V=VC। V की वैल्यू पुट करो, एसी वोल्टेज है V0 sin ωt, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा Q/C होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा Q/C होगा। ये वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से हमें चार्ज की वैल्यू मिलेगी Q=CV0 sin ωt। एज करेंट आई को कैसे लिखोगी dQ/dt, वैल्यू पुट करो d/dt CV0 sin ωt।
हमें पता है ये चेन रूल है, ये डिफरेंशिएशन में पढ़ते हो चेन रूल। चेन रूल क्या है, डी बाई डी एक्स साइन यू का क्या डिफरेंशिएशन होगा, माइनस कॉस यू डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया तो सी भी नॉट तो कांस्टेंट है, सी भी नॉट डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, तो लिख सकते हो आप सी भी नॉट साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन यू का साइन यू का ही डेरिवेटिव है चेन रूल, माइनस नहीं होता है तो प्लस होता है, ध्यान देना। तो साइन यू का क्या होता है, कॉस यू मीन्स कॉस ओमेगा टी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, लिख सकते हो सी भी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू वन। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ हमने क्या देखा, आई इजकल टू भी नॉट अपान वन अपान ओमेगा सी साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस क्या हुआ पाई बाई टू। ये जो क्वांटिटी है वन अपान ओमेगा सी, ये किससे मिलती जुलती है, इन आ लोजेस्ट टू रेजिस्टेंस, तो द क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्वांटिटी वन अपान ओमेगा सी इज एनालोजस टू रेजिस्टेंस, एनालोजस टू रेजिस्टेंस डेट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट इज कॉल्ड, किस नाम से जानेंगे, इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसे यक्सी से डिनोट करेंगे, डेट इज यक्सी इजकल टू वन अपान ओमेगा सी टू पाई एफ सी, यह यूनिट ओम होती है। और देखेंगे यस सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, कैसा ग्राफ बनेगा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो ग्राफ जो है यस सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हमने ये कंप्लीट कर लिया, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये सर्किट कंप्लीट करने के बाद इस पर बेस एक क्वेश्चन करेंगे, तब जो है तीनों इंडिविजुअल सर्किट कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ें, दिन दिन हम क्या कहेंगे, दिन भी नॉट अपान वन अपान ओमेगा सी, भी नॉट अपान एक्स इजकल टू आई नॉट, आई नॉट क्या है, दिस इज द पीक करंट है, देयरफॉर आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये प्रूफ करने के लिए पूछता है। हम इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू मान ले, इक्वेशन वन एंड टू से क्या देखते हैं कि सी सर्किट के लिए करंट क्या करती है, पाई बाई टू लीड करती है, मतलब वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, फॉर सी सर्किट मान ली, फॉर सी सर्किट मान ली, सिर्फ सी सर्किट के लिए करेंट आई क्या करती है, लीड्स द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई टू, आर यू कह सकते हैं
कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या करता है, लैग्स फेज पाई बाई टू विथ करेंट ग्राफिकली, इसका हम ग्राफ बनवा लें। ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ देखें, ये टाइम एक्सिस है, भी आप लिख आई है, ये ओरिजिन है। क्या हम देखते हैं कि वोल्टेज तो ओरिजिन से चलेगा, क्योंकि वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी थे, तो वोल्टेज क्या करता है, ओरिजिन से चल रहा है, करेंट बाद में चलेगी, सब कुछ बाद में, मैक्सिमम बाद में, जीरो सब कुछ बाद में दिखाएगा। दिस इज द वी और ये क्या है, आई है। अब जो है इसके बाद हम फेजर डायग्राम और पावर डिस्कस करेंगे, दिन उस पर बेस एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसी के साथ ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, फेजर डायग्राम कैसे दिखाया जाए। ये तो टाइम एक्सिस है, ये जो है वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। यहाँ से जो है ये लाइन लेते हैं, यह एंगल क्या बनेगा, ओमेगा टी बनेगा। ये किस वेक्टर से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से ही रोटेट कर रहा है, वी नॉट कैसे रोटेट हो रहा है, ओमेगा से। अब यहाँ हम प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, आगे चलें तो ओमेगा टी वी नॉट हो गया, ये जो है वी नॉट हुआ। यहाँ से करंट क्या करेगी, करंट जो है लीड करती है, ये करंट हो गया, करंट का ये क्या है, आई नॉट है। हम यहाँ करंट आई दिखाएंगे, यहाँ वोल्टेज भी दिखाएंगे, करंट कितना लीड कर रही है, ए पाई बाई टू। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट इसका फेजर डायग्राम क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जो है हम पावर निकालेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड, द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द कैपेसिटर इज पी सी इक्वल टू वी इंटू आई। वोल्टेज की वैल्यू पुट करो, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, वी नॉट अपॉन आई नॉट बाई टू, टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब हम आगे बढ़ेंगे, एज हमें पता है, एज टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, साइन टू थीटा। पी सी जो हमें मिलेगा, वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू साइन ट्वाइस ओमेगा टी। एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज पी सी एवरेज क्या होगा, वी नॉट आई नॉट बाई टू साइन ट्वाइस ओमेगा टी। हमें पता है कि साइन ट्वाइस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जीरो है, मीन्स पी सी एवरेज इज इक्वल टू जीरो। क्या कंसेप्ट बना, ये प्रूफ हो गया है, द पावर कौन सा पावर है, एवरेज पावर है, हिंस द एवरेज पावर सप्लाइड, हिंस ये प्रूफ पूछता है, हिंस द
एवरेज पावर सप्लाइड, एवरेज पावर सप्लाइड टू कैपेसिटर, टू कैपेसिटर, एवरेज पावर सप्लाइड टू कैपेसिटर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो होता है। एंड करेंट फ्लो इन इट, एंड करेंट फ्लो इन इट क्या होती है, करेंट फ्लो इन इट कॉल्ड, कौन सी करेंट कहलाएगी, कॉल्ड वाटलेस करेंट, वाटलेस करेंट। अगर हम देखें तो इस प्रकार इस सर्किट में भी पावर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब जो है हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसी के साथ ही तीन जो बड़े सर्किट थे कंप्लीट होते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.4 पेज 266, ये ओल्ड वाली बुक है। अगला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 7 चैप्टर 5th नंबर क्वेश्चन है, ए 60 माइक्रोफेरड कैपेसिटर, ए 60 माइक्रोफेरड कैपेसिटर, कैपेसिटर इज कनेक्टेड, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट 60 हर्ट्स एसी सप्लाई, एसी सप्लाई, डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट इन द सर्किट, इन द सर्किट, व्हाट इज नेट पावर एब्जॉर्ब्ड, व्हाट इज द नेट, नेट पावर एब्जॉर्ब्ड, नेट पावर एब्जॉर्ब्ड, नेट पावर क्या हुआ, एब्जॉर्ब्ड हुआ, नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट, बाय द सर्किट, सर्किट इन ए कंप्लीट साइकिल, इन ए कंप्लीट साइकिल। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बार बार मैं यही समझाता हूँ, बस यही सोचो क्वेश्चन में क्या दिया है और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तो क्वेश्चन में देखो कि क्या क्या दे रखा है गिवन। सी जो है 60 माइक्रोफेरड, 60 × 10⁻⁶ फेरड, 6 × 10⁵ लिख सकते हैं फेरड। वी आर एम एस, वी आर एम एस 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, ये 60 हर्ट्स है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इसके इक्वल होगा 1/ωc, 1/2πfc। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये पाई है ध्यान रखना, दिस इज द पाई। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे फार्मूला एक्स सी 1/2 × 22/7 60 × 6 × 10⁻⁵। देयरफॉर आरएमएस करेंट, आरएमएस करेंट, आरएमएस करेंट क्या है, आई आरएमएस वी आरएमएस अपॉन एक्स सी, वी आरएमएस 1/2πfc, तो लिख सकते हूँ 2πfc इंटू वी आर एम एस 2 × 22/7 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई
सीसटी हो गया 1 इंटू क्या है कैपेसिटेंस, 1 इंटू 3 पावर क्या होगा 2 पाई f, 1 हो गया, तो लिख सकते हो 6 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 10, यही हो गया है। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, 60 इंटू 10 पावर माइनस 5 भी RMS क्या है 110 है। कितना कैलकुलेशन होगा 2.49 एम्पियर, ये आंसर है। एज पी एवरेज, एज पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कास फाई, बट फाई इक्वल टू 90 डिग्री देन कास फाई, कास फाई मीन्स कास 90, क्या रिजल्ट आया 0 आया। तो एवरेज पावर हमें क्या मिल जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू 0, दिस मीन्स क्या हो जाए, वी आर एम एस को क्या लिख सकते हो, तो हो ही गया 0 डायरेक्ट लिखो, कोई अंतर नहीं। इस प्रकार ये चैप्टर जो है अच्छे खासे पॉइंट तक बढ़ गया, और अब इसके बाद हम लोग LCR सर्किट पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। थैंक्स स्टूडेंट, ओके बाय। हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स स्टूडेंट, ओके बाय।